हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्ड के साथ आपके सामने आया हूं। ये हमारा मिमी का 288H कॉट है। कॉट यानी बेड, जिसको बेबी का बेड जिसको बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब डिजाइन में काफी खूबसूरत, काफी आपके बेडरूम में भी जाएगा तो आपके बेडरूम को भी काफी अच्छा लुक देगा, काफी बेडरूम का शोभा बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बेबी को एक लग्जरियस एंड कंफर्टफुल नींद देगा, एक कंफर्टफुल स्लीप देगा बेबी को। बेबी इसमें काफी आराम से काफी अच्छा फील करेंगे, पूरा अपने आप को आप एंटरटेन कर सकते हैं आराम से, बहुत ही आरामदायक नींद बेबी को प्रोवाइड करेगा ये कॉट कम क्रेडल का जो सेट है। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, 2-in-1 इसको बोलते हैं, इसमें क्रेडल है और कॉट है, दोनों ही है। स्टार्टिंग 0 months to 6 months तक आपका ये क्रेडल यूज होगा और उसके बाद आफ्टर 6 months आप कॉट यूज कर सकते हैं। आप न्यू बॉर्न से भी कॉट यूज किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में बेबी को ये झूला झूला या क्रेडल का थोड़ा सा आदत होता है तो उसमें बेबी और कंफर्टेबल फील करता है, जल्दी नींद आता है बेबी को, तो ये क्रेडल आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो एक क्रेडल का जो डायमेंशन है ये है आपका 34.5 inches और इसका ये लेंथ हो गया। और विड्थ की अगर हम बात करें यहां से यहां तक का, तो ये 18 inches का ये विड्थ है इसका। यहां से यहां तक जो हम विड्थ देख रहे हैं इसका, वो 18 inch है। और लेंथ अगर हम यहां से यहां देखते हैं क्रेडल का, तो ये 34.5 inches है। आप इसमें देख सकते हैं ये कंप्लीट से जो क्रेडल का सेट है ये मॉस्किटो नेट के साथ में आता है। इसका आपका जो रॉकिंग फंक्शन है, इसका जो ये हिलने का, ये भी काफी अच्छा है। काफी बेबी कंफर्टफुल कंफर्टेबल नींद इसमें बेबी को आएगा, काफी आराम फील करेंगे बेबी। और ये भी काफी स्पेसियस है और साथ में यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है जिससे कि बेबी का आप एक्टिविटीज भी बाहर से या साइड से देख सकते हैं। काफी लाइट वेट होने के कारण क्या है, मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया, हमारे जो भी फर्नीचर आइटम्स है सारे को बनाने के लिए हम पाइन वुड का इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम क्वालिटी पाइन वुड का इस्तेमाल करते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं ये भी हमारा पाइन वुड का ही है, काफी अच्छा फिनिशिंग के साथ में है। और ये पाइन वुड का इस्तेमाल करने का मेन रीजन होता है, ये टर्माइट फ्री होता है और साथ ही साथ काफी लाइट वेट होता है, काफी अच्छा लुक देता है। तो ये हमारा जो क्रेडल है, क्रेडल भी आपका काफी लाइट वेट है, आप आसानी से इसे कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेकर जा सकते हैं। अगर मदर हॉल में या किचन में है कहीं पे भी, उसके बाहर में भी इसे रख के आराम से बेबी की एक्टिविटी को देख सकते हैं, बेबी को आराम से कंफर्टेबल नींद आएगी इसमें। तो अब ये हमारे क्रेडल के बारे में था, अब इसे हम रिमूव करके आपको अपने कॉट के बारे में, कॉट भी उसी ढंग से काफी अच्छा, काफी लाइट वेट, काफी खूबसूरत लुक के साथ में आता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम सबसे पहले कॉट के डायमेंशंस की बात करें तो इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक ये 45 inches का है, ये लेंथ जो है 45 inches का है। और विड्थ की अगर बात करते हैं यहां से यहां तक का, तो ये 26 inches की है। इसमें भी आप देख सकते हैं काफी राउंडेड फिनिश दिया गया है कि जिसमें बेबी को कहीं भी अगर हाथ वगैरह भी लगता है बेबी का, तो कहीं पर किसी ढंग का बेबी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ में ये प्लास्टिक ये रिप दिया हुआ है कि बेबी अगर इसको पकड़ता है तो एक बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल उसको ग्रिप मिलेगा। और इसमें देखिए सारा फिनिशिंग जो दिया गया है, काफी स्मूथ फिनिशिंग, राउंडेड फिनिशिंग दिया गया है कि बेबी इसमें हाथ वगैरह रगड़ता भी है तो बेबी को किसी ढंग का इंजुरी या हर्ट नहीं होगा बेबी, काफी अच्छा। और इस वुड का खासियत ये भी है कि इसकी पॉलिश वगैरह भी जल्दी नहीं जाती है, क्योंकि हमने इसे प्रीमियम क्वालिटी पॉलिश वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी आपका कंप्लीट मॉस्किटो नेट के साथ में आता है। और ये आप देख सकते हैं जो वुड वगैरह काफी है, इसमें भी हल्का सा आपको ये स्पंजी फील मिलेगा। और ये काफी अच्छा, काफी कंफर्टेबल और काफी स्पेसियस है कि बेबी इसमें काफी खूबसूरती से, काफी आराम से एकदम हाथ पैर फैलाकर आराम से सो सकता है। इसके अलावा इस कॉट में और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कई बार होता है कि बेबी का सामान वगैरह इधर उधर हमें रखने का, तो इसमें स्पेस काफी दिया गया है इस कॉट में। बेबी के सामान का होता क्या है, जैसे बेबी का टॉयलेटरीज आइटम हो गया, नैपीज हो गया, डायपर हो गया वगैरह वगैरह, नैपकिन वगैरह, काफी बेबी का यूज का डेली का सामान होता है जो इधर उधर घर में बिखरा होता है। और आप जब बेबी को तैयार करते हैं, बेबी को जब ग्रूमिंग करते हैं, उस समय आपको एक सामान लेकर आना होता है। यहाँ कुछ नहीं, आप कॉट के पास में अगर बैठ जाते हैं तो बेबी का सारा सामान यहाँ ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद बेबी के जो नैपीज बार बार वॉश करना और धोना और सुखाना, उसका जो झंझट होता है वो आपको हैंग करने के लिए यहाँ पर रॉड दिया गया है, जिससे कि बेबी को का है कपड़े वगैरह नैपीज वगैरह जो बार बार चेंज करना होता है, यहाँ पे आप काफी अच्छा से ड्राई करवा सकते हैं, सुखा सकते हैं। ये भी आपको इसका फिटिंग अगर हम दिखा दें तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए रॉड दी, ये आपका क्लिप दिया हुआ है, इसे ऐसे उठाना है और यहाँ फिट कर देना है। अगर इसे उतारना है तो बहुत ही आसानी से इसको ऐसे नीचे कर दीजिए, इस साइड से भी आप इसको नीचे करेंगे, ये नीचे चला गया और आसानी से ये नीचे गिर जाता है। तो आपका
छोटा स्पेस भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, घर पे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है तो आप इसे ऊपर उठाकर भी फंक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और स्पेस की, तो इसको हर तरफ से बेबी के लिए, बेबी के सामानों के एक्सेसरीज के लिए काफी स्पेसियस बनाया गया है, जिससे कि बेबी का सारा सामान जो है इस कॉट में ही आ जाए और बेबी का जब भी यूज करना हो किसी भी सामान को तो आसानी से मदर एक जगह ही सारा सामान मिल जाए मदर को। जैसे कि देख सकते हैं इसमें ट्रू ड्रॉस की तरह दिया गया है, बॉक्स सिस्टम है, यहाँ पे सारा सामान बेबी का आ जाएगा। आराम से आप बेबी का सामान रखकर इसे लॉक कर दिए। दोनों साइड से दिया गया है कि एक साइड आप टॉयलेटरीज आइटम रख दिया, एक साइड आपने कपड़े वगैरह रख दिया बेबी का, सारा आराम से इसमें रखकर आराम से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा मदर कई बार होता है कि बेबी को अपने बेड के साथ सुलाना पसंद करती है और बेबी को जैसे रात को फीडिंग वगैरह करवाना है तो मदर इसको आराम से आसानी से इसको पुश करके, देखिए यहाँ पर एक पुश बटन दिया हुआ है, इसको पुश करेंगे ये निकल जाएगा इधर से। इधर भी देखिए सेम पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे करके निकाल के मदर मैट्रेस अपना प्लस बेबी का बेड में दोनों में मैट्रेस एक लेवल पर लगाकर बेबी अपने बेड के साथ में इसे अटैच कर लेंगी। तो मदर को बेबी को जब भी फीड करवाना हो रात को तो मदर अपने पास में आसानी से लेकर फीड करवा के फिर से बेबी को इसमें डाल सकती है। तो ये प्रोडक्ट हमारा काफी बेनिफिशियल है, काफी यूजफुल है। और आप इसे अगर इसकी अगर हम व्हील्स की बात करें इसमें और एक अगर आप देखें तो थोड़ा सा और इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं वर्थ फॉर मनी। आप जितने पैसे लगा रहे हैं लंबे समय तक चले हर तरह का फंक्शंस आपको मिल जाए। तो इसमें पूरे अगर हम व्हील्स को देखें तो इसमें चारों साइड व्हील्स दिया गया है, ये देखिए व्हील्स दिया गया है और सारे व्हील्स पे ब्रेक्स दिया हुआ है। ये देखिए ब्रेक्स है, चारों व्हील्स पर इस ढंग का ब्रेक मिलेगा, स्क्रैचेस वगैरह किसी ढंग का इश्यूज क्रिएट नहीं होने देगी फिंगर्स वगैरह पे। और ये मॉस्किटो नेट यहाँ पर फिट होकर चारों साइड से कवर कर लेता है कि किसी ढंग का फ्लाइज या मॉस्किटोज या किसी ढंग का इंसेक्ट बेबी के बेड तक ना पहुंच पाए। तो इतना फंक्शन आपको समझ में आया हो, तो ये सारे फंक्शन के साथ साथ इसमें और थोड़ा, कई बार होता है कि बेड में ही बेड को ही मदर सोचती है कि रॉकर बनाया जा सके, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे बाकी कॉट्स की तरह इसको भी, इसके व्हील्स को भी जस्ट आपको इस ढंग से ऊपर करना है। चारों व्हील्स को इस ढंग से अगर हम ऊपर कर देंगे तो ये रॉकिंग फंक्शन में आ जाता है। ये व्हील्स को, चारों व्हील्स को हमने ऊपर की ओर कर दिया तो अब आप आसानी से आप इसे रॉकर की तरह भी बेबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेबी को मतलब कॉट में भी, क्रेडल में भी झूले का आनंद मिल जाएगा और ये बेड में भी बेबी को झूले का आनंद आसानी से मिलेगा। बेबी काफी कंफर्टेबल फील करेगा, अच्छा नींद आएगा बेबी को। और आप जानते हैं जब बेबी का नींद पूरा हो जाता है और अच्छा नींद आता है, बेबी को कंफर्टेबल नींद होता है तो बेबी हर समय खुश रहता है, कम रोता है और बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। होप आपको ये प्रोडक्ट और वीडियो हमारा काफी पसंद आएगा। थैंक यू।